वालेकुम नाजरीन, रोज़ रोज़ मारियो वस तो सारी को बिरिश खान की तरफों खुश आमदीद। रोज़ रोज़ मारियो की तरफों सारी पूरी कोशिश होती है कि तुम्हारे वास्ते जो है सन रोज़ाना एक नवी रेसिपी कहते आऊँ, जिमें कि आज हमने थोड़ी देर पहले तुम्हारे ऑल टाइम फेवरेट शेफ इकबाल ने मेरे नाल शेयर किया कुछ नया फन से भरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बिनीश, और यकीन कुछ नया बनना वाकई। हाँ, हमने थोड़ी देर पहले कैमरा ऑन थी वन पहले मेरे को इन्हें दस इनग्रीडियंट्स मैं डिटेल, और मैं इन्हें को रिक्वेस्ट कर रहा कि तुहाको भी दसन के क्या बनावन आलन कुछ नया फन से भरा। बिल्कुल, मारियोस पास्ता से हमने स्पेगेटी बनाई, पास्ता बनाया, बहुत सी रेसिपी शेयर की और उससे बनती भी हम। लेकिन आज जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं मारियोस से बहुत खास, चिकन नूडल सूप। सूप बहुत ज़रूरी है, चाहे लंच हो, हाई टी हो, ब्रेकफास्ट हो, सहरी हो या अफ्तारी हो। ठीक है, तो सूप की चिकन नूडल सूप की तरफ चलते हैं और काफी मजे की इसकी रेसिपी होगी तैयार। जी विनीश, जेड़े सूप लवर हैं पे होने वास्ते मारियोज ने जड़ा ना सूप दई भी एक नवी रेसिपी शामिल की थी अपने शो में, ताकि जड़ा ना असा कदों भी नहीं चाहते कि जड़े भी खावन पीवन के शौकीन हैं पे उनका कोई भी कहीं भी तरह की जड़ा ना टेस्ट जो है ना उन्हें तो मिस ना थी वे, और वो हर डिश को इंजॉय करें मारियोज के नाल। जी इकबाल, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, और ना सिर्फ चिकन नूडल सूप बल्कि आज एक मजे का हलवा भी करना है तैयार। लेकिन पहले हम चिकन नूडल सूप की तरफ चलते हैं। मौजूद ही हमारे पास यहाँ नूडल्स बॉयल्ड हैं, उबले हुए। आप चाहे स्पैगेटी भी ले सकते हैं, मर्जी आपकी। ठीक है, मारी उसकी स्पैगेटी या नूडल्स उबला हुआ। चिकन बोनलेस इज रिक्वायर्ड, वैसे एक ब्रेसेस में आधा यूज़ करना हमने। काली मिर्च कुटी हुई, लाल मिर्च कुटी हुई, सफ़ेद मिर्च, वाइट पेपर। मौजूद ही हमारे पास सोया सॉस, नमक हसबे जायका, टमाटो केचप 1 कप, वेजिटेबल में बंद गोभी, गाजर और साथ ही लहसुन जो यूज़ करना है फ्रेश ताज़ा। उम्मीद तो है तो उर्दू भी समझ दो, यकीन शेफ इकबाल दी इनग्रीडियंट्स भी समझ गए हो। सो बिल्कुल सादा जो मसाले अज के सारे मारियोज दे चिकन स्पैगेटी सूप दे विच, चिकन स्पैगेटी सूप कहें या नूडल सूप कहें, नूडल सूप करें तो सारे स्पैगेटी भी शामिल कर सकते हो। थोड़ी देर पहले तो आपको शेफ साहब ने दसिया भी हाँ, सो मसाले बड़े सिंपल हैं पे मैं रिपीट कर दी हाँ। एक क्रश की हुई यानी कुटी हुई तुम्हारी काली मिर्च होनी चाहिए, कुटी हुई लाल मिर्च होनी चाहिए, सफेद मिर्च पीसी भी, एक कप तुसा गिन गिनो केचप और एक कप गिन गिनो तुसा सोया सॉस और नमक हसबे जायका। बाकी टू अहम इनग्रीडियंट्स हैं जिंदे विच एक मारियोज दा मारियोज दी स्पैगेटी या मारियोज दे नूडल्स तुसा यूज करो, और बाकी चिकन है और सब्जियां में तुम्हारे सामने डिस्प्ले ते जाहिर है पे मैं दसन दी लोड़ कोनी, रेसिपी अगी ते घंटे टुर दूं सा अपनी। बिल्कुल अच्छा, सबसे पहले दोस्तों ऐड कर रहे हैं लहसुन साबित, इसे चॉप करना है। बहुत इसके फ़ायदे मैं आपको बताऊं कि ब्रेकफास्ट में मैं अपने अंडे या ऑमलेट में ये साबित लहसुन शामिल ना करो, मुझे मज़ा नहीं आता। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, विटामिन ए काफ़ी मिकदार में, हार्ट अटैक के तकरीबन खतरे से आप बाहर निकालता है, बहुत अच्छा हार्ट पेशेंट के लिए भी लहसुन। ठीक है, ब्लड को बहुत अच्छा करता है, दिमाग के लिए अच्छा, लहसुन ज़रूर यूज़ करें आप। इसे हल्का सा आपने प्रेस किया, पीने वास्ते भी प्रैक्टिस होना बेहद जरूरी है ना, तो हाथ से छुरी लवा वास्ते तुसा कोशिश करो कि तुसा जड़ा ना उंदे तो कोट गिनो सिल वटे थे, वो तो बेस्ट है ना, सिल पे किया जाए, नानी दादियों के जमाने से कर रहे हैं, हवाई दस्ते में वो भी आप कर सकते हैं, आज भी बहुत सारे किचन्स में करते हैं, सही बात करते हैं, उसका अपना ही मजा आई थिंक ज्यादा अच्छा है कि जो देसी वे में होता है। ठीक है, हल्का सा आपने क्रश करना लहसुन को, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की है छुरी से काटना ना, ये थोड़ा सा रिस्की है मेरे जैसे अनाड़ी हाथ, मुश्किल तो है लेकिन कहते ना कि मुश्किलात के बाद ही कामयाबी होती है। हाँ, कामयाब लोग मुश्किलात का सामना करके कामयाबी हासिल कर लेते हैं। आई थिंक इज डेड के कोई भी काम आप ना करें तो मुश्किल है, वंस आप कर लें तो आसान हो जाता है। ऐड करते हैं गार्लिक हमारे इस पैन में। ठीक है, सूप कर रहे हैं तैयार, और सूप के लिए पहले लहसुन शामिल किया। सूप की अगर बात की जाए तो सूप में अमूमन ऑयल कम यूज होता है। ठीक है, तो बहुत ही कम, फ्यू ड्रॉप्स, चंद कतरे बस, हल्का से करते हैं सोते। नाजरीन तो सा गिनते हो अपने घर में मारियोज पास्ता, हाँ तो शामिल करो अपने डिशेज मारियोज पास्ता कुछ नया फन से भरा, क्योंकि मारियोज गिनते हैं तुम्हारे वास्ते एक्साइटिंग शेफ्स और एक्साइटिंग रेसिपीज, और तुम्हारे जायके को मद्देनजर रखते हुए, तुम्हारे सेहत को मद्देनजर रखते हुए, तुम्हारे देसी खाने के रिलेटेड इटालियन खाने के इटालियन रेसिपीज का मिक्सअप बड़ा ही मुनफरद और बड़ा ही दिलकश और बड़ा ही मज़ेदार
ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਡਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਆ ਫੰਸੇ ਭਰਾ ਮਾਰੀਓਸ ਪਾਸਤਾ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਔਰ ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਜਨਾਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰੀਓਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਪੈਗੇਟੀ ਮਾਰੀਓਸ ਦਾ ਨੂਡਲਸ ਚਿਕਨ ਨੂਡਲਸ ਸੂਪ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਲਹਿਸਨ ਹਲਕਾ ਸਾ ਸੋਤੇ ਬਾਅਦ ਚਿਕਨ ਮੌਜੂਦ ਦੋਸਤੋ ਸੂਪ ਕੀ ਚਿਕਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਟਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬਾਈ ਮੈਂ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸਰ ਕਿ ਸਿਰਫ 4 ਤੋਂ 5 ਜਾਂ 6 ਡਰੋਪ ਪਾਤੇ ਅਸਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰਤੇ ਲਸਣ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੜਕੜਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਲੰਬਾਈ ਮੈਂ ਕਾਟਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਹੀ ਰੋਜ਼ੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵੇਂਦੇ ਪਏ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਉਮਦਾ ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਵਜਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਾਰੀਓਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਸਟ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਰਹੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਅੱਛੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਿਕਨ ਲਹਿਸਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਔਰ ਚਿਕਨ ਕੀ ਹਲਕੀ ਸੀ ਬੁਨਾਈ ਕਰਨੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਏ ਆਇਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈ ਆਪ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੋ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਵੀ ਲਗੇ ਨਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਫਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਸ ਹਲਕਾ ਸਾ ਕਲਰ ਆਉਣਾ ਸੂਪ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੈਲਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੂਪ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਏ ਆਪਕੋ ਬਤਾਓ ਬਨਿਸ਼ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਮੇ ਲੋਕ ਸੂਪ ਜੋ ਹੈ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦੀ ਈਅਰ ਪੀਤੇ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਯਹਾਂ ਗਲਤ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਸੂਪ ਗਰਮੀ ਮੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਏ ਵੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਤੇ ਕਿ ਸੂਪ ਕੇ ਕਿਤਨੇ ਫਾਇਦੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸੂਪ ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੀਣੇ ਦੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਪ ਔਰ ਸੈਲਡ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ ਜਾਏ ਤੋ ਇਹ ਖਾਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਆਪਕੀ ਭੁੱਖ ਕੋ ਬੜਾਤਾ ਹੈ ਆਪਕੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਕੋ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੂਪ ਜਾਂ ਯਖਨੀ ਪੀਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਾਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਪਿਆ ਸੂਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੀਵੋ ਹਾਂ ਯਾ ਵੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੇ ਅਗਰ ਬੁਫੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨੋ ਮਰੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੂਪ ਔਰ ਸੈਲਡ ਵੀ ਕਿ ਆਪਕੀ ਭੁੱਖ ਕੋ ਭਰਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਕੋ ਹਾਜ਼ਮੇ ਕੋ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਤੇ ਹੈ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਤੇ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੋ ਟੇਕ ਕਰਤੇ ਹੈ ਹੈਵੀ ਖਾਣੋ ਕੀ ਤਰਫ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇ ਸੈਲਡ ਸੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰੇ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕਰਤੇ ਹੈ ਚਿਕਨ ਸਟੋਕ ਯਖਨੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਚਿਕਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ 1 ਲੀਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਚਿਕਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮਨੇ ਯਖਨੀ ਐਡ ਕੀ ਔਰ ਕੁਛ ਦੇਰ ਸੇ ਕੁੱਕ ਕਰਨਾ ਜਬ ਤੱਕ ਇਸਕਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੋ ਸੂਪ ਮੇ ਜੋ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਕੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੋ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਕੀ ਤਰਫ ਚਲਤੇ ਹੈ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਹੁਣ ਕਟੇ ਸੂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਬੇਜ ਲਈ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਇਹ ਸਾ ਨਿਕਾਲਾ ਸੂਪ ਕੇ ਤੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਔਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੋ ਸੇ ਬਨਾ ਜਾਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੋ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਾਈਸਿਸ ਵੀ ਕਾਨੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਬੁੜੇ ਸਭ ਸਹੀ ਸੇ ਸ਼ੌਕ ਸੇ ਪੀ ਵੀ ਸਕਤੇ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸੂਪ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਪੀ ਸਕਤੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਬਲਕਿ ਲੱਖੋਂ ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਬਨਤਾ ਹੈ ਥਿਕ ਵੀ ਬਨਤਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਬਨਤਾ ਤੋ ਅੱਜ ਹਮ ਕਲੀਅਰ ਸੂਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸਮੇ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਕੋ ਬਤਾਏਂਗੇ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਸਬ ਸ਼ੋਜ਼ ਮੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਮਾਰੀਓਸ ਪਾਸਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ੇ ਕੇ ਸੂਪ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕੈਬੇਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਈਸ ਕਰਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚੌਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਜ਼ਨ ਕੋ ਕਮ ਕਰਤੀ ਵੋ ਲੋਕ ਜੋ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਉਨਕੇ ਲਈ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਕਾ ਸੂਪ ਬਨਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਂਗੇ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਮੌਕਾ ਮਿਲਾ ਤੋ ਇਹ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੂਪ ਮੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੂਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਸਾਥ ਹੀ ਇੱਕ ਅਦਦ ਗਾਜਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਜਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੀਲ ਆਫ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਹਮਨੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨਾਜ਼ਰ ਗਾਜਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਛਿਲਕਾ ਲਾਉਣ ਪੈਵੇਂਦੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਛਿਲਕਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹਲਕੀ ਜੀ ਸਲਾਈਟਲੀ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਬ ਕਰਤੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੇ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਖ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੂਪ ਕਹਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰੀਓਸ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਈ ਮਾਰੀਓਸ ਦੀ ਚਿਕਨ ਨੂਡਲ ਸੂਪ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਗੇਟੀ ਸੂਪ ਵੀ ਬਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਪੈਗੇਟੀ ਸੂਪ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਤੀ ਜੁਲਤੀ ਆਪ ਸਪੈਗੇਟੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਨੂਡਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਕੇ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਕੋ ਦੀਏ ਮਾਰੀਓਸ ਨੇ
हाँ बिल्कुल जो स्पैगेटी लवर हैं स्पैगेटी सूप बना सकते हैं चिकन का और जो नूडल्स लवर हैं और नूडल्स का बना अच्छा बंद गोभी के बाद गाजर करें स्लाइस पहले उम्दा ते वसी क्वालिटी दे नाल तुहारे सारे मस्ते जड़ा ना इटालियन प्लांट तैयार किया हुआ मारियोस पास्ता गेंदे तो अपने घर में और अपने पास्ता डिश शामिल करो हूँ तो बाद कुछ नया फंसे भरा द ओरिजिनल अफेयर्स मारियोस पास्ता हमेशा तुहारे जायके दा हमेशा तुहारे सेहत दा जिम्मेदार तुहारे जायके दा तुहारे सेहत वास्ता बस ख्याल रखने वाला और तो मैं तो आपको आख सकती हाँ कि जड़ा ना पास्ता दी एक वसी ते हाई रेंज गेंते है तुम्हारे वास्ते ही रमजान शरीफ बिल्कुल अच्छे बंद गोभी के बाद गाजर दोस्तों स्लाइस किया हमने गाजर ये जरूर बनाइए वाइटम मेरे होता है नज़र के लिए अच्छा और आई वुड से बहुत अच्छी चीज़ है बंद गोभी के बाद गाजर भी शामिल किसी के अंदर जरा से करते हैं मिक्स दोस्तों चिकन नूडल सूप कर रहे थे यार और सूप बन रहा है लेकिन इसकी खुशबू से हमारा स्टूडियो झूम उठा है बहुत मज़े का होगा तैयार बाकी मसाले शामिल करते हैं बंद गोभी और गाजर के बाद जिसमें ऐड करने जा रहे हैं हम चिकन काफ़ी हद तक कुक हो चुकी है काफ़ी मज़े की खुशबू आ रही है शामिल करते हैं इसी में सफ़ेद मिर्च हाफ टी स्पून से ज़रा सी कम है एक से दो चुटकी आपने काली मिर्च लाल मिर्च कुटी भी ज़रा सी शामिल करनी है ये अपने जायके के मुताबिक नमक हसबे जायका ऐड करने के बाद इसे ज़रा हिलाना है ठीक है और साथ ही ऐड करते हैं सोया सॉस दो खाने के चमचे टोमेटो केचप वन कप ठीक है नाजिन तो आप देख देख हो कि सारे सूप की शक्ल जड़ा ना चेंज थी वी है थोड़ा जहा थिकनेस की तरफ आंदा वेंदे और यकीन मानो जड़े इंदे विच सॉसेस पेन से ना सोया सॉस ते बाकी मसाला जा जिन्हें स्पेशली काली मिर्च ते सफेद मिर्च पिए ना उनकी खुशबू और उनका टेस्ट जो है ना पूरे सारे किचन को महका गए और यकीन जमने मैं उम्मीद है जमने तो सब बने सो लेकिन तुहां को ना भी आया तो लोग पूछे कि आज तो सर स्पेशल क्या बने दे अपने किचन बिल्कुल ऐसा ही है और साथ ही दोस्तों इस सूप में आपको बताऊं दुनिया भर में जिस तरह हमने कहा कि पार्सले की स्टिक शामिल की धारा धनिया है इसकी जो स्टिक से डंडिया में इसे आपने चॉप करना है ठीक है रखा और इस तरह से आपने चॉप करना तो आए देखते पियो कि हमेशा धनिया दे डंडिया सारे भेणी स्पेशली जाया कर छोड़े दिन तो सर चाहो तो एक को रख सकते हो फ्रिज दे विच मेरे ख्याल से फ्रिज में धनिया दो से तीन दिन तो सही फ्रेश रहता ही है हाँ इसकी ट्रिक है और अखबार में रख सकते हैं अच्छा ये धनिया की डंडी भी शामिल करें इसी के अंदर ठीक है सिर्फ डंडिया है जो सूप में बहुत मजे का फ्लेवर लाएंगे वाओ क्या मज़ेदार खुशबू आई है भाई धनिया दे इन विच वाह अमेजिंग ठीक है दोस्तों कुछ देर करना है कुक और उसकी प्रेजेंटेशन की तरफ भी चलने हैं वक्त कम है क्योंकि ना सिर्फ सूप बल्कि आज इस शो में बनाने जा रहे हैं कुछ ही देर में चिकन नूडल सूप के साथ साथ बहुत ही मजे का हलवा कोकोनट हलवा और हलवे का अपना मजा है सूप का प्रोसेस जारी है और साथ ही ऐड करते हैं इसमें दोस्तों जब ये वेजिटेबल कुक हो जाए और चिकन का फ्लेवर हो जाए उसके बाद बहुत ही खास मारियोस का उबली हुई नूडल्स ऐड करते इसी के अंदर ठीक है बॉयल नूडल्स ऐड करके ज़रा सा मज़ीद इसे करते हैं हम मिक्स ठीक है टॉस करना इस तरह मिक्स करना ठीक है दोस्तों दुनिया भर में सूप ये पिया जाता है बहुत मज़े का हेल्दी एंड काफ़ी ऑसम है नाजी एक दफ़ा रेसिपी मैं तो शेयर करा लेकिन हूँ तो पहले शेफ इकबाल को नौसा पूछूँ कि वो मजीद सारी डिश विच क्या शामिल कर सकें या ऑलमोस्ट कंप्लीट दे मराइल विच फिनिश जैसे ही ये बॉइलिंग पॉइंट पर आएगा देखिए बबल्स आ रहे हैं इसमें हाँ जी जैसे बॉइलिंग पॉइंट पर आएगा उसके बाद निकालना जा रहा है स्टॉक पहले ही तैयार था चिकन गल चुकी है तो बिल्कुल ये जस्ट ऑलमोस्ट सारे सारे स्पाइसेस सारे मसाले जाते पै चुके हैं और मसाले भी बिल्कुल नॉर्मल और बिल्कुल इतने के सूप पीने में गले को ना लगे तुम्हारे जी ऐसा ही है हाँ। बिल्कुल क्योंकि काली मिर्च पावन का सारा मतलब भी यो हा कि वो गले को साफ करें तले और काली मिर्च दे बेहद फायदे हैं सफ़ेद मिर्च पाती है सफ़ेद मिर्च के पता है उससे भी ज़्यादा फायदे हैं जी बिल्कुल ऐसा हाँ, ही लेकिन सफ़ेद मिर्च कुछ डिशेस में और कुछ क्वांटिटी में स्पेसिफिक क्वांटिटी में शामिल की थी मैंने दिए क्योंकि हाथ तो ज़्यादा नहीं शामिल कर सकते बिल्कुल अच्छा बिनी सूप हो चुका है तैयार चूल्हा करते हैं बंद और ये ले आते हैं दोस्तों यहाँ बाउल की जानी वाइट बाउल में
निकालने जा रहे हैं हम बहुत ही खास चिकन नूडल सूप और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए आप, ठीक है, और कितना हेल्दी इसमें वेजिटेबल भी है, नूडल्स के फायदे भी हैं और जबरदस्त यखनी भी है। जो बच्चे नूडल्स पसंद करेंगे और नूडल्स एंजॉय करें, बाकी सूप पसंद करेंगे सूप एंजॉय करें। अच्छा, गार्निश की हल्का सा हरा धनिया। एक दफा रेसिपी मैं शेयर करना चाहती हूँ, तो अन्ना तो सिर्फ लहसुन को जड़ा ना कटना है या कुटना है और दूध और त्रै ड्रॉप जड़ा ना, जिसमें सूप की गाल दी है तो ख्याल रखो ऑयल कम से कम यूज करो, दूध और त्रै ड्रॉप के बीच तुसा लहसुन को कड़कड़ावने वाले होंगे अंदर तुसा ऐड करने हैं बोनलेस चिकन पीस जिसको तुसा बिल्कुल छोटे छोटे माइनर पीसिस कटिया हुआ हाँ उनको थोड़ा कड़कड़ावन के बाद उन्हें तुसा ऐड किए यखनी वास्ते पानी, पानी ऐड करने के बाद अगर आप चाहें तो यखनी हो चिकन यखनी ना हो तो गर्म पानी आपने शामिल करना है। गर्म पानी ऐड करने के बाद तुसा उन्हें ऐड किए से बंद गोभी और बाद ऐड किए गाजर, गाजर ऐड करने के बाद तुसा अच्छी तरह पकड़ दिते, पकड़ के बाद तुसा उन्हें थोड़ी खुश्क मसाले ऐड किए, तो सोचा बिल्कुल खुश मसालों में नमक शामिल किया, सफेद मिर्च, काली मिर्च, लाल मिर्च कुटी हुई को किया, जब बॉइलिंग पॉइंट पाया बहुत मजे का सूप हो चुका था तैयार। सोया सॉस ऐड किया, सोया सॉस, केचप ऐड किया ऐसे और मारियोस की नूडल्स खूब पकाने के बाद ऐसे मारियोस की नूडल्स ऐड की थी ऐसे, तो स्पैगेटी भी यूज कर सकते हो, ठीक है। उनके बाद ऐसा गार्निश वास्ते ऐसा कोशिश की थी ऐसे, जिसमें लास्ट पॉइंट सारा सूप आया उनके विच ऐसा धनिया की डंडियां काटते पाते हैं से, बड़ा मजेदार फ्लेवर और एक मुनफरद जी खुशबू आई है बिल्कुल। और ये नूडल ऐड किया हो चुका है बिल्कुल तैयार। हाँ जी बिल्कुल। और अगली रेसिपी की तरफ भी चलना है जो कि हमारा कोकोनट हलवा और काफी मजे की होगी तैयार। कोकोनट हलवा ऐसा तो आपको बनाना सीखे सो तो आप बेसब्रे ना थी वो उन्हें थोड़ी देर वास्ते ऐसा मैं दे पी ब्रेक दे स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन, तो साथ देख दे पो कि मारियोज पास्ता आज तुम्हारे वास्ते गेंद है, मारियोज नूडल्स चिकन सूप और तैयार थी चुके है, गार्निश कर चुके हैं तुम्हारे सामने। हूँ असा वेंदे पे तुम्हारे वास्ते एक मिठी मिठी डिश बनावन, शेफ इकबाल ने से कि आज मिठी मिठी क्या बनना जी। बिल्कुल मिठी मिठी डिश बना रहे हैं दोस्तों, कोकोनट हलवा और अमेजिंग फ्लेवर, जायकेदार, टेम्पटिंग, अब खाएंगे और जिनको भी आप पेश करेंगे उनको बहुत पसंद आएगा। खोपरे का हलवा बने थी बिल्कुल तो बने थे सूजी का हलवा, आज बन से तुम्हारे वास्ते मारियोज विच रोज रोज मारियोज विच खोपरे का हलवा बिल्कुल। और कोकोनट हलवा बनाने के लिए दोस्तों कोकोनट मौजूद है, ठीक है, और 2 कप ये वो कोकोनट जो पान में हम शामिल करते हैं, एक पीना कोलाडा में डलता है पाउडर फॉर्म में होता है वो नहीं ये वाला। अच्छा, फ्रेश क्रीम 1/2 कप, खोया मौजूद ऐड करना है, कहते ना क्या खोया क्या पाया, 1 कप, चीनी एज रिक्वायर्ड, बादाम पिस्ते आप चाहें तो काजू भी कर सकते हैं, सब्ज इलायची और गार्निश करनी चांदी के वर्क के साथ। वक्त बहुत कम है दोस्तों, अफ्तारी का वक्त भी होना है, उससे पहले करते हैं तैयार। और इसमें ऐड करते हैं सबसे पहले हल्का सा घी, सिर्फ 1 चाय का चम्मच घी शामिल किया, ठीक है। अगर घी मौजूद नहीं तो तुसा ऑयल यूज कर सकते हो। हाँ लेकिन थोड़ा सा मक्खन भी आप ऐड करना चाहते कर सकते हैं बटर। उसके बाद ये कोकोनट करनी इसकी बुनाई। अच्छा, थोड़े जे घी विच तुसा ना कोकोनट जड़ा ना जड़ा खोपरे वाला होंदे वो गिनना है पाउडर फॉर्म में, कोशिश करो कि वो ना गिने जे जड़ा पान शामिल थींदे खोपरा वो तुसा क्रश गिना इमेदा जिने दानेदार होंदे खोपरा दानेदार वो तुसा गिनो और उस घी विच उंदी भुनाई करो जिवें तुसा घी दी घी विच सूजी दे हलवे दी भुनाई करनो। आई थिंक इसको भी वैसे ही भून के पीछे पीछे कलर देंगे है ना बिल्कुल, और हल्का सा पिंकिश होगा फिर हल्का सा ब्राउन होगा, उसके बाद क्या करना आपको बताते हैं, देखते रहिए और रोज रोज मारी रोज वैसे तो आ देखते पे हो। आज बनना पे तुम्हारे वास्ते कोकोनट का हलवा और सब हूँ तो पहले ऐसा तुम्हारे वास्ते बनाया है आज से चिकन स्पैगेटी चिकन नूडल्स सूप मारियोज की तरफों, क्योंकि मारियोज गिनते हैं तुम्हारे वास्ते ही रमज़ान तो लाते तमाम अगीती जिंदगी वास्ते कुछ नया फन से भरा और हमेशा यह कोशिश रहा कि आइंदा भी तुम्हारे वास्ते इवें ही कुछ गिनते हम दे रहा हूँ ताकि तुसा सेहत नाल ना जायके को भी इंजॉय करो और छोड़ कभी भी ना छोड़ना चाहो तो मारियोज को, क्योंकि मारियोज ने हमेशा तुम्हारे वास्ते कोशिश की थी उम्दा क्वालिटी ते वसी रेंज ते प्लान ते बनाते कि तुमको हमेशा तुमको अहमियत दी और तुम्हारे जायके को तुम्हारी सेहत को इम्पोर्टेंट समझे हर चीज़ तो ज़्यादा,
चीज़ को रख दें असा तुहाडे फूड दे विच ना सिर्फ तुहाडे मज़े मज़े दे देसी डिशेज शामिल कीते पर पता हुंदे नाल असा इटैलियन डिशेज दा रेसिपीज और उनका मिक्सअप अमेजिंग मिक्सअप जिहड़ा ना तुहाकू दिखाए से और नाल नाल मिठे दे मिठे दा हलवा है पहले भी असा तुहाडे वास्ते तैयार कीता से कलाकंद तैयार कीती से मिठे विच और अज असा तुहाडे वास्ते बने खोपरे दा हलवा और ड्रिंक्स दिता क्या ही बात है कि पहले भी ऐसा ताना शेयर की थी वाह जी वाह और प्रोसेस जारी है ऐसा ऐसा ब्राउन होता जा रहा है खुशबू मजे की और ब्राउन देखो क्विकली होता दोस्तों बहुत तेज से जल भी जाता है एहतियात ना कीजिए तो तेज आंच ना रखी जो कोशिश करो कि मीडियम आंच से तो सही को भूनो ठीक है और इससे साटा और हिलेंदे रहो मेरी भेड़ी तो मेरी बिरावो तुसा बुने दो ए ना ए कोशिश ना पे करी जो जिमे शेफ इकबाल करें दे पेन क्योंकि एक्सपर्ट है नहीं कर सकते आसान नहीं कर सकते तो सर चमचा हिलाते भी अपना काम कर सक दो बिल्कुल अच्छा जैसे हल्का सा कलर आया उसके बाद ऐड करते हैं चीनी ठीक है लगभग हाफ कप या अपनी मर्जी के मुताबिक चीनी के साथ मिक्स किया से हल्का सा और ठीक है एक साइड पर रखा आपने उसके बाद ऐड करते हैं इसमें सब्जी इलायची खुशबू और क्या ही बात है वैसे ही खोपरे की खुशबू ज्यादा हम दिए और अगर उन दे ऐड थी मिनन हरी इलायची सान तमाम ऐड करें दूं ताकि ये तहकता आवाज को गले को साफ करें दिए दूजा ये कि फ्रेश होती है इनकी खुशबू बड़ी अमेजिंग होती है तो अगर सूखी इलायची तुसा यूज करे सो तो उनकी खुशबू तो मे भी आवे लेकिन ये कि हो सकते कि वो अपने अफादियत खो मने कोशिश करो कि जितने भी अपने खाने फ्रेश चीज़ा यूज़ कर सकदो और हाथियाँ बढ़िया हुई चीज़ा यूज़ कर सकदो वो ज़्यादा अमेजिंग हो सकें सेहत के हिसाब नाल भी और टेस्ट अच्छा इलायची शामिल की और इलायची के साथ दिनिश कितनी अदद हमने इलायची चार पांच इलायची शामिल की हल्का सा मिक्स किया अच्छा हिलाते रहना और उसके बाद ऐड करते हैं इसी के अंदर फ्रेश क्रीम ठीक है वन कप फ्रेश क्रीम बाइंड करेगी टेक्सचर इसका बहुत अच्छा हो जाएगा क्रीम ऐड करने के बाद अच्छा फ्रेश क्रीम असर चौथे टाइम पे अच्छा साथ ही इसमें हल्का सा दूध भी शामिल करते हैं दूध भी आपने इसी बाउल में ऐड किया फ्रेश क्रीम वाले में और ये भी इसी के अंदर आपने ऐड करना है ठीक है और इसे आपने जरा सा मिक्स करना है तो आप देख देते हो कि जरा अलग अलग हैं चीनी तो खोपराओं को बाइंड की फ्रेश क्रीम तो दूध ने एक मिक्सचर जहा बना निकलना और नाल ना चीनी की चाश निकल से हूँ जरा खोपरा सड़ता पाया ही और क्रीम तो दूध यूज करन नाल हूँ जल से करना ब्राउन डार्क ब्राउन ना बिल्कुल और देखिए बहुत मजे का इसका टेक्सचर दोस्तों कोकोनट हलवा साथ ही ऐड करते हैं खोया भी ठीक है और बहुत ज़्यादा घी ऐड नहीं करना जाहिर है कि इसके अंदर भी फैट होता है खोए के अंदर भी ठीक है खोया भी शामिल किया इसी के अंदर और फिर से अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है ठीक है ताकि इसको मैश हो जाए और खोया भी मेल्ट होने के बाद कोशिश करो कि खोया मेल्ट थी उनके विच पीस दियो अगर थी सकते तो हाथ नाल पहले ही चूर से सट दियो हाँ चूर दरा गिनो तारा टाइम बच से जरा सा घी भी ऐड करते हैं ताकि हलवे में जाहिर हलवे वाला टेक्सचर आना जरूरी है जबरदस्त किस्म की खुशबू आँदी पे सारे रोज़ रोज मारी उस किचन में और अज तुहाडे वास्ते बनता पे मज़ेदार किस्म का मिठा और मिठे विच खोपरे का खोए वाला हलवा ठीक है दोस्तों हलवा हमारा कुछ ही देर में जस्ट अबाउट रेडी चिकन नूडल सूप भी हो चुका है तैयार और आई थिंक खुशी की बात ही आप सब इंजॉय कर रहे हैं पसंद कर रहे हैं पाकिस्तान में दुनिया भर में थैंक यू सो मच यू ऑल आपकी मोहब्बतें प्यार है उसी तरह आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के बेस्ट शोज प्रोड्यूस करेंगे प्रोसेस जारी है जी जी सारे ऑडियंस विचों कहीं ये सवाल भी पूछा कि जब घर में कुकिंग करने लग दूं एक डिश में इतना सारा टाइम थे लग वेने और तुसा एक घंटे के अंदर दो डिशेस बना गिंदो नाल ड्रिंक भी बना गिंदो ये क्या मैजिक है आई थिंक एक फ्रेंच वर्ड यूज होता है जिसे कहा जाता है विनिश के मैजिंग प्लस अब देखो अब शो से पहले काफ़ी तैयारी करके रखते हैं अब तैयारी करके रखिए तो अफ्तार से पहले अगर 15 मिनट भी हो ना 15 मिनट में भी आप दो रेसिपीज तैयार कर सकते हैं अगर तैयारी करके मेरा पूछन दा और तुहाडे पूछन दा भी बहुत शुक्रिया और मेरे पूछन दा ऑन एयर ये मकसद हाँ कि ताकि तुहाकू पता लग वे
ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਵਕਤ ਬਚਾਉਣਾ ਪਹਿਲੇ ਮਾਇੰਡ ਮੇਕਅਪ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਮਾਇੰਡ ਮੇਕਅਪ ਖਿਆਲ ਹੋ ਸੇ ਮਾਇੰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਬਣਾਵਣ ਕਿਆ ਮਿਲਣਾ ਸੋਚੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪਕਾਉਣਾ ਕਿਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਨਗਰੀਡੀਅੰਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਗਰੀਡੀਅੰਟਸ ਕਿਆ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪੇ ਔਰ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਨੇ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਔਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਨਗਰੀਡੀਅੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀ ਦੇਖ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਔਰ ਆਇੰਦਾ ਅਭੀ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਅਸਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਸੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਐਸੀ ਵੀ ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ 100% ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਸਾਰੀ ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮਸਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਆਮ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਥੀਂਦੀਆਂ ਪੈਣ ਔਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਮਾਇੰਡ ਮੇਕਅਪ ਕਰੇ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਫਰਿੱਜ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਸੋ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਪਿਆ ਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨ 80% ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਿਓ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰੇ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਵੀ ਬਿਨੇਸ਼ ਜੋ ਆਪਨੇ ਬਾਤ ਕੀ ਨਾ ਮਾਇੰਡ ਮੇਕਿੰਗ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਆਪ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਵੀ ਤੋ ਆਪਕੀ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜਹਾਂ ਚਾਹੇ ਆਪਕੋ ਕੀ ਕਰ ਤੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਚਨ ਮੇਂ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਜਬ ਕਿਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੀ ਲਾਈਫ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਆ ਪਕੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬਾਦਾਮ ਪਿਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚੌਪ ਖੁਸ਼ ਮੇਵਾ ਜਾਤ ਸ਼ੂਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕੇ ਲਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਦਾਮ ਪਿਸਤੇ ਔਰ ਆਲਮੰਡਸ ਪਿਸਤਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਲਵੇ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਗੀ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਤੋ ਅੰਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਿਣਨਾ ਹੈ 2-3 ਚਮਚੇ ਘੀ ਗਿਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਖੋਪਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕ੍ਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਨ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਥੀਂਦੇ ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਜੀ ਕੋ ਭੁਨੀਂਦੇ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈ ਹਲਕੀ ਮੀਡੀਅਮ ਆਂਚ 'ਤੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਥੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਬੀਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਛਿਲਕੇ ਨਾ ਸੁੱਟੀ ਜੋ ਗਲੇ 'ਚ ਫਸ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਟਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 1 ਕੱਪ ਕਰਨੀ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਚੀਨੀ ਔਰ 1 ਕੱਪ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਬਤਾਓ ਇਹ ਹਲਵੇ ਕੀ ਖਾਸ ਬਾਤ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਾਇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਟੈਂਪਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨਕੇ ਬਾਲ ਗਿਰਤੇ ਨਾ ਦੋਸਤੋ ਉਨਕੇ ਲਈ ਵੀ ਹਲਵਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨਕੇ ਬਾਲ ਗਿਰਤੇ ਹੈਅਰ ਫਾਲਿੰਗ ਹੋਤੀ ਉਨਕੇ ਲਈ ਹਲਵਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨਕੀ ਸਕਿਨ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਨਕੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਪਕੋ ਬਾਤ ਬਤਾਓ ਜੋ PRP ਕਿਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਕੋਕੋਨਟ ਕਾ ਜੋ ਨਾਰੀਅਲ ਕਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਐਸ ਅ ਬਲੱਡ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਮੇਂ ਕਿਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਲੋਂ ਕੇ ਲਈ ਤੋ ਬਾਲੋਂ ਕੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੋਕੋਨਟ ਚਿਹਰੇ ਕੀ ਰੰਗਤ ਕੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਤੋ ਯੇ ਚੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਣੇ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਿਹਤ ਕੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਹਲਵਾ ਦੇਸੀ ਘੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੀ ਕਮਾਲ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਗਜ਼ਾਇਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਆਪਕੋ ਬਾਤ ਬਤਾਉਂ ਬਿਨਿਸ਼ ਕੇ ਦੇਸੀ ਘੀ ਮੇਂ ਸੈਚੂਰੇਟਿੰਗ ਫੈਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚਮਚ ਮੇਂ ਕੋਈ 13-14 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਅਗਰ ਆਪ ਦੇਸੀ ਘੀ ਅਗਰ ਆਪ ਲੈ ਰਹੇ ਤੋ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੇ ਹਮ ਦੇਸੀ ਘੀ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਅਲਗ ਸੇ ਆਪ ਆਇਲ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਮੱਖਣ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਕਰੀਮ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਤੋ ਫਿਰ ਸੈਚੂਰੇਟਿੰਗ ਫੈਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਤਾ ਜੋ ਸਿਹਤ ਕੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਕਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਆਪ 1 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਘੀ ਦੇਸੀ ਘੀ ਲੈ ਰਹੇ ਤੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਮਾਰੀਓਸ ਦੇ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਮਾਰੀਓਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਸ਼ ਯਾਨੀ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਚਿਕਨ ਨੂਡਲ ਸੂਪ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨੂਡਲ ਸੂਪ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਫ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਾਲਾ ਯਾਦ ਕਰਾ ਚੁਣਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਪੈਗੇਟੀ ਸਪੈਗੇਟੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੂਡਲਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਬਣਾਏ ਸੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸ਼ਿਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਨ ਅੱਜ ਬਣਾਏ ਸੀ ਖੋਪਰੇ ਦਾ ਹਲਵਾ ਔਰ ਖੋਪਰੇ ਦਾ ਹਲਵਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਬੈਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਮੈਨੇ ਸੁਲਾ ਕੀਆ ਬੰਦ ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਆਤੇ ਹੈ ਯਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਕੋ ਬਤਾਉਂ ਫਲਿਪ ਕੀਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਆਪਨੇ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮਾਰੀਓਸ ਕੀ ਸੈਟ ਕੀਆ ਦੋਸਤੋ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਾਦਾਮ ਪਿਸਤੇ गार्निश के लिए टॉप पर आपने स्प्रिंकल किए साथ ही जब चांदी का वर्क आ जाए तो क्या ही बात है बिल्कुल अगर नहीं मौजूद था कोई फर्क नहीं पड़ता अगर है तो अच्छी गाल है हाँ तो ऑन टॉप आपने जरा सा चांदी का वर्क भी रखा ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਚਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਜਿੱਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਿਓ
या तो सब कुकिंग करें दे पे ओ था सब कुछ मैसी ना होवे चीजा हटया होवे होवे ताकि तारे को कुकिंग करें दे में भी परेशानी ना होवे और नाल नाल तो सा छोटे-छोटे किचन दे हादसा तो भी बच सको मारियोस दी पूरी कोशिश रही है सारी भी पूरी कोशिश कर रही है कि ताको कुकिंग दे नाल नाल सा कुकिंग एजुकेटिंग भी करें दे रहवनु ताकि तुसा शेफ इकबाल आंगो जने एक्सपर्ट कुक बन सको उम्दा क्वालिटी दोनों चीज हो चुकी है तैयार चिकन नूडल सूप साथ ही कोकोनट हलवा और इसके साथ ही असा ये तो पहले सारा टाइम खत्म थी वे एक छोटा जा मैसेज उम्दा क्वालिटी ते वसी रेंज दे नाल इटालियन प्लांट ते तो सारे मस्त तैयार किया गया मारियोस पास्ता गेंद तो सा अपने पास्ता डिशेस में शामिल करो कुछ नया फन से भरा इन नाली मेकू ते शेफ इकबाल को दे इजाजत कल दोबारा नवी डिश नाल हम सु अल्लाह हाफिज़।